टाटा स्टील द्वारा 27 नवंबर को आयोजित होने वाले रनएथॉन की तैयारियां चल रही हैं और रजिस्ट्रेशन जारी है। टाटा स्टील द्वारा 27 नवंबर को आयोजित होने वाले रनएथॉन की तैयारियां चल रही हैं। जेआईडी कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगी से फॉर्म फिलअप भी कराया जा रहा है। 27 नवंबर की सुबह इवेंट से पूर्व सभी को जर्सी प्रदान की जाएगी। कितना पैसा लग रहा है? बागी जमशेद में बच्चों को फलों के प्रति दिलचस्पी पैदा करने और स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव के विषय में जानकारी दी गई। बागी जमशेद में बच्चों को खेल खेल में जीवन में फलों के सेवन का महत्व तथा उसके फायदों के विषय में बताया गया। काउंटिंग, कलर और फिर टेस्ट के जरिए भी उन्हें भोजन में फलों के उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। बच्चे लोगों को फ्रूट्स खाने के लिए हम लोग मैंने उन लोग को जगाते हैं कि फ्रूट्स खाने से उन लोग का हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, वो लोग बड़ा अच्छे से बढ़ते हैं। और फ्रूट्स का क्या वैल्यू है, जैसे एक एक फ्रूट का हम लोग वैल्यू लेके हम लोग यहाँ किए हैं। फ्रूट्स के ऊपर सब कुछ है, लेटर्स है, शैडो मैजिक है, पजल्स है, काउंट द एप्पल्स है, फिर मैचिंग करना है, शेप्स डिफरेंट फ्रूट्स के कितने शेप्स होते हैं उसमें ऑपोजिट सिखाए हैं, तो जैसे काउंटिंग द फ्रूट्स, ऐसे सब पूरा ये क्लास है फ्रूट्स के ऊपर है, ऐसे दूसरे क्लासों में अलग अलग चीज। धतकीडी स्थित फैजुल उलूम में मौलाना अरशद उल कादरी का सालाना उर्स मनाया जाता है। इस बार शनिवार को उर्स मनाया जाएगा। उक्त जानकारी डॉक्टर जकरिया ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी। संडे को जो शरीयत बचाओ दीन बचाओ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस हवाले से ब्रीफिंग करनी थी और लोगों को दावत देनी थी, दरख्वास्त करनी थी कि वो बड़ी तादाद में आए और जो हमारा जमहूरी हक है उसका इस्तेमाल करें और हुकूमत को बताएं कि हमें मुस्लिम पर्सनल में किसी किस्म की दाखिला बर्दाश्त नहीं है। और ये प्रोग्राम संडे को है 9 बजे से 12:30 बजे के दरमियान जो आपके धक्केडी कम्युनिटी सेंटर में जो होगा। और दूसरा प्रोग्राम ये था कि कायदे सुन्नत हज़रत अल्लामा अशरफ़ क़ादरी अली रहमा का जो उर्स है वो शुरू है और 14 तारीख को भी प्रोग्राम है, 15 को भी है, 16 को भी, उसकी डिटेल मौजूद है। चकद्दरपुर के रहने वाले राजन शाहू अपने पुत्री की शादी परमहंस मंदिर में करवा रहे हैं। कारण पूछने पर बताया कि उनके पास 500 और 1000 के नोट हैं, पर टेंट वाले कैटरिंग वाले नहीं लेना चाहते हैं। चकद्दरपुर के रहने वाले राजन शाहू ने अपनी पुत्री निशा की शादी के लिए पिछले दिनों बैंक से पैसे निकाले थे, पर 500 और 1000 के नोट अमान्य हो जाने के बाद उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। टेंट वाले, कैटरिंग वाले, बाजा वाले को पैसा देना है, पर वे 500 और 1000 के नोट नहीं ले रहे हैं। इससे मजबूर होकर उन्होंने शादी का रस्म परमहंस मंदिर में पूरा करने का निर्णय लिया। तो पैसे का जो लेन देन हमारा है, टेंट है, फूल वाला है, आपके कैटरिंग है, वो 500 1000 का नोट लेना नहीं चाह रहे हैं। अब उसे समझाया जा रहा है कि चेक दे दिया जाए, तो वो लोग किसी तरह मजबूर हो के चेक तो लेना ही पड़ेगा। अब पेमेंट देते टाइम हमको पता चलेगा हमको क्या परेशानी है। पेमेंट तो कल हमको लोग सुबह में देंगे, अगर वो 500 1000 का ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बाद में वो परेशानी जो होगी। शादी कैश तो आप निकाले होंगे बैंक से? जरूर जरूर निकाले हैं। क्या परेशानी हो रहा है 1500 के नीचे? कोई लेना नहीं चाह रहा अभी। चांडल प्रखंड में श्री श्याम शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। Thank you.
अब कुछ खबरें चाईबासा की। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ तथा सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने आंदोलन आरंभ कर दिया है। उन्होंने आदिवासी विधायकों से इस्तीफे की मांग की है। दोनों संगठनों के लोग आज समाहर नाले के सामने धरने पर बैठे रहे। संगठन की मांग है कि झारखंड के सभी आदिवासी विधायक सीएनटी और एसपीटी कानून की रक्षा करें, झारखंडी डोमिसाइल स्थापित करें, सरना कोड लागू करें, विस्थापन पलायन बंद करें, अन्यथा जनहित में सामूहिक इस्तीफा दें। झारखंड विषम पार्टी और आदिवासी संघेल अभियान की ओर से दो दिवसीय झारखंडी जन सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं, ताकि झारखंड अलग राज्य होने के 14 साल तक झारखंड में सीएनटी पर, डोमिसाइल पर, आदिवासी के अस्तित्व पहचान पर हमला होते रहा, तो इसका जिम्मेदारी झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री या एमएलए एमपी जो भी है, तो इन सब ने अभी तक आदिवासी मूलवासी हित में काम नहीं किया। तो हम उन सभीों को चेताना चाहते हैं कि अगर आप एक महीना के अंदर झारखंड में सीएनटी नहीं बचा सकते हैं, डोमिसाइल को पुनर्वासित नहीं कर सकते हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए, ताकि झारखंड में जनता के लिए एक नया जनादेश का रास्ता खुल सके। तो आज से इसका शुरुआत है, कल आज से हम लोग का शुरुआत है, कल इसका हम लोग और ज्यादा शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए, सरकार भी ये जाने कि झारखंड की जनता नाखुश है और ऐसे छेड़छाड़ नहीं करें। झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन चाईबासा में होगा, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। चयन के लिए आज पश्चिमी सिंहभूम में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एसपीजी मिशन स्कूल में तीरंदाजी, टाटा कॉलेज में एथलेटिक्स, सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में फुटबॉल और बंदगांव में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में चयनित होने वाले खिलाड़ी राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे। तीरंदाजी प्रतियोगिता के मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति भी पहुंची। आयुक्त बालिका वर्ग में बालिका तीरंदाजों में यह खेलकूद का कार्यक्रम खेलो इंडिया स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर किया गया। यह झारखंड सरकार के दिशा निर्देश के द्वारा यह आयोजन किया गया है। इसमें तीरंदाजी टीम के जो हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष डी के बनर्जी साहब और सचिव और सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे, उन्हीं लोगों के प्रयास से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सारे बच्चों ने अपना अपना प्रदर्शन किया है और इसमें 12 तारीख को ये बच्चे जितने भी सिलेक्शन हुए हैं वो बच्चे रांची में जाएंगे और राज्य स्तर के लिए अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। और हम चाहेंगे कि इसमें सारे बच्चे अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और जितने भी इन बच्चों को सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए और वो व्यवस्था हम कराएंगे और इन लोगों को और भी अच्छे तरीके से अपना प्रशिक्षण दे करके इन लोगों को अपना ट्रेनिंग दिलाएंगे। 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर देने के बाद नोट बदलवाने के लिए चाईबासा के विभिन्न बैंकों में ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सरकार के द्वारा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने के बाद लोगों को हो रही परेशानी का बैंक खुलने के बाद समाधान का रास्ता खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की रात्रि में 500 और 1000 के नोट को मध्य रात्रि से अमान्य किए जाने के बाद लोगों को अफरा तफरी का माहौल हो गया था। 9 नवंबर को बैंक और एटीएम बंद होने के कारण छोटे नोटों की कमी से लोगों को बाजार में काफी परेशानी हो रही थी। 10 नवंबर को बैंक खुलने के बाद 500 और 1000 के अमान्य नोट को बदलने का विभिन्न बैंक में काम शुरू होने से लोगों के चेहरे में खुशी लौटने लगी। बैंक के खुलते ही अमान्य कर दिए गए नोटों को बदलने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। नोट जमा करने और बदलवाने के लिए सभी बैंकों में ग्राहकों के काउंटर के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। ग्राहकों को फॉर्म भरने और पहचान पत्र का फोटोकॉपी देने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई। राशि जमा करने और बदलवाने में हुई परेशानी के बारे में ग्राहक का क्या कहना है, आइए जानते हैं।